गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं श्वेता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बस आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। घूमने क्या जा रहे हैं? आज हम लोग जाते हैं मंदिर, और मंदिर में बहुत दिन से जाने का था, लेकिन आज वहाँ पर हो रहा है भंडारा। तो भंडारा खाने तो भाई जाना ही पड़ेगा। स्टाफ के हैं एक, तो उन्होंने भंडारा मतलब आयोजित किया हुआ है, और उनकी कोई मन्नत पूरी हुई होगी तो पक्का भंडारा किया होगा, और ऐसा तो होता ही है भाई। लोग सब लोग भंडारा करते हैं इसी तरह से। तो आइए चलते हैं। खाना पंडित जी खाने में तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो एक जो गेहूं की आटे की क्वालिटी, मैदा की क्वालिटी, ठीक है, वो सब मतलब आप ये समझिए कि बस क्या बताएं। अगर आप खाना जब तक कुछ भी खाओ, और सब कितनी बहुत लोगों को बुला मेला भी तो है, मेला जगह की कोई कमी नहीं। चल आइए, इनके पापा पीते हैं। पहले दर्शन किए जाए। ये देखो कौन मिल गया। तुम लोग यहीं रुको, डॉगी नहीं है, गाय है। चलो जाओ आगे। पंडित जी बैठे, पूर्णगिरी महाकाली। छोटे पंडित जी, ये लो, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अंदर चल के जाया करो, अंदर अंदर दोनों लोग जाया करो। हाँ बस बस बस, यहीं से बेटू, यहीं से जाया करो। रिद्धि आप भी आ जाओ। बस सिद्धि इधर देखो, सिद्धू मम्मा को देखो, दोनों लोग मम्मा को देखो ऐसे, दोनों जे। जाना नहीं कहीं रिद्धि सिद्धि, राजा हम चले मिले, राजा को तो आते रहते हैं।
मंदिर से आने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना वर्क। वर्क स्टार्ट करना था, चिड़िया को खाना था, ग्रीन मिर्ची वाला जो पिकल होता है वो। मैंने कहा चलो बनाते हैं, तो उसी को मैं बना रही थी। और मिर्च वगैरह मैंने ना वॉश करके रख दी थी, और उसका जो पानी था ना वो भी सोख हो गया था। तो उसके बाद मैं सभी सारे सामान में डाल दूँ। मैंने डाला हुआ लहसुन है, धनिया है, हल्दी है, और होम मेड जो मतलब ये रहता है ना मसाला, इजीली मतलब घर भी जाता है, और आपको जो भी आपके पास अवेलेबल होते हैं आप वो सब डाल सकते हो। तो बस मैं घर का बना रही थी, तो ये सब मैं डाल रही थी। और चलिए इन्जॉय करते हैं, और आपको बताती हूँ आगे मैंने क्या क्या डाला। बस सॉल्ट वगैरह ऐड करूँगी, और थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने ऐड किया हुआ है, और मेरे पास जो होम मेड लहसुन वाला जो मैंने बनाया था ना अपना सॉल्ट बनाया हुआ था एक, वो भी मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और बढ़िया लगता है खाने पीने में। और इनको क्या है ना, इनको ना ग्रीन चिली इतनी पसंद है ना, तो उसका जो पिकल रहता है ना मेरे घर पे ख़त्म नहीं होने पाता कि न्यू वाला मेरा बन जाता है। इनको रहता है थोड़े दिन खाएंगे फिर बोर हो जाएंगे, कहेंगे न्यू बनाओ। तो चलो ठीक है भाई, कहते नहीं पति के दिल का रास्ता तो फेट से होकर जाता है, तो वही वाले हाल है। तो अब कहा है तो बनाऊंगी। और सिर्फ ये नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है। हम लोगों को ना इसे जैसे भी खट्टा जो रहता है ना उस तरह का कम आइटम हम लोग खा पाते हैं, और तीखा ज़रूर खा लेते हैं। और मीठा तो आप जानते हो मैं जितना हो सके अवॉइड ही करती हूँ। और यही बस मैं अब इसमें ना मस्टर्ड ऑयल ना मैं इसको गर्म कर दूँगी और वो मिलाऊँगी, और हो गया। बहुत इंस्टेंट वाला मैं बना रही हूँ, और इसको इस बार ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। इस बार मैं ना मिर्च को भर के बनाऊँगी, जो मसाला मैं रेडी कर रही हूँ इसको मैं मिर्च के अंदर ना फिलिंग कर दूँगी। उससे जो फिल करेंगे ना वो बहुत टेस्टी टेस्टी लगने वाला है। तो मिर्च को मैं ना मतलब जो मेरे हाउस में कट करने में ना मिष्टी मेरे पास बहुत आती है, तो उसका मुझे बहुत डर लगता है। और फिलिंग करने में तो चल जाता है, फिलिंग करने में इतना टेंशन नहीं होता, लेकिन हाँ कटवट करने में बहुत टेंशन होता है। और यहाँ देखिए मेरा ये जो था ना मस्टर्ड ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब बस मैं इसको इसमें ऐड करूँगी, और फ्लेवर इतना अच्छा वाला आता है ना, इतना अच्छा कलर आ जाता है ना मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद, बहुत प्यारा सा कलर आता है। और जब इन अचार वगैरह को खाओ ना तो और भैया टेस्ट की तो बात ही छोड़ो, इतना बढ़िया वाला टेस्ट लगता है ना कि हाँ लगता है कि हाँ। और पता है इसको ना जैसे फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा जितनी जल्दी आप फिनिश कर सको ना उतना ही अच्छा होता है। तो बस अब मिक्सी में इसको मैं चला देती हूँ और फटाफट से इसको रेडी करती हूँ, और मिलते हैं भाई आगे।
और एक बात आप सबसे कह रही थी, ये देखो मेरा पिकर रेडी हो चुका है। कि बहुत से लोग ना ये सोचते हैं कि जो यूट्यूबर होते हैं ना वो कुछ फेक दिखाते हैं, कुछ झूठ दिखाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जो मेरे साथ हो रहा होता है ना, जैसी लाइफ मेरी चल रही होती है वही मैं दिखाती हूँ। और किसी किसी को मेरी लाइफ अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है। हो सकता है ऐसा भी हो, तो कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कोशिश करिए, हो सकता है कोई व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगने लगे। और रही बात मेरे बोलने का, तो कुछ लोगों को तो मेरी वॉइस बड़ी फ्रेश फ्रेश लगती है, हो सकता है भाई लगती भी हो। आपको खुद को नहीं हर चीज़ का एहसास होता, लेकिन दूसरे वाले को पता चलता है। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ, और आप देख रहे हैं अभी तक मेकअप भी नहीं उतारा। तो मैं सोच रही थी ना कि जल्दी से सब रेडी करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं मेकअप वगैरह मतलब इसको निकाल दूँगी। और ये देखिए आ गया है मेरे पास कंटेनर, इसमें मेरे को बस फिल करके रखना है, और बस नेक्स्ट डे से आप इसको खा सकते हो। इसमें ना इतना ये नहीं है कि आपको धूप लगानी है क्या कैसे, कुछ भी नहीं करना है। ये वाले इंस्टेंट वाले होते हैं ना, तो ये वाले पिकल्स आप इजीली, ये जो मिर्ची होती है ना आप खाओगे ना बहुत टेस्टी लगेगी, यम्मी यम्मी वाला। और मुझे तो पता है, सच बोलूँ ग्रीन मिर्ची ना बहुत पसंद है, रेड तो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ ग्रीन वाली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ ना हो आना आपके पास तो आप पराठा बनाइए और ये वाली मिर्च ले लीजिए और खा लीजिए, और साथ में चाय हो, बस तीन चीज़ें हो ना आपके पास तो लगेगा कि हाँ सारी जन्नत आपको मिल गई। इतना अच्छा वाला टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा वाला। तो बस अब आपसे एक चीज़ मुझे कहनी थी, बहुत से लोग सब्सक्राइब करने में बड़ा कंजूसी सी करते हैं, तो प्लीज़ कंजूसी ना करा करो। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग मेहनत करते हैं तो क्या होता है ना कि मोटिवेशन मिलता है। एक आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट से ऐसा लगता है कि हाँ आप तक हम पहुंच रहे हैं, मैं आप तक के दिलों में पहुँच रही हूँ और आप मुझे देख रहे हो, तो एक बहुत अच्छा फील आता है। तो अगर मोटिवेट करना हो किसी को तो सब्सक्रिप्शन तो देना ही पड़ता है ना, तो प्लीज़ आप लोग भाई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक भी करते जाना, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट भी करते जाइएगा। बाय बाय।